वेलकम करता हूँ गाइस GTA San Andreas Definitive Edition के एक और न्यू वीडियो के अंदर। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कैन एडजस्ट यूर PC सेटिंग्स। जी हाँ गाइस, आप अपने PC सेटिंग्स को कैसे चेंज करोगे और उन PC सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आप अपना लैग कैसे फिक्स करोगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट काफी लोग को वो पता नहीं है कि अपने PC सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर कैसे एडजस्ट करें फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, और आज की यही वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो अबाउट एवरीथिंग द PC सेटिंग्स, जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिससे आप अपना लैग फिक्स करने वाले हो, और उसके अलावा उससे आपके जो ग्राफिक्स है ना वो भी थोड़े से डिक्रीज होने वाले हैं। तो या ये आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, बट हाँ उससे आपके काफ़ी हद तक आपका गेम भी जो लैग है वो फिक्स हो जाएगा। मिस्टर सेफ्रॉन YT के चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो, क्योंकि GTA रिलेटेड और भी गेम्स रिलेटेड कॉन्टेंट में जो है इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मोबाइल गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज मोस्टली मैं यहाँ पे चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द मेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर द फ्यूचर कॉन्टेंट। तो अभी यार मैं इस गेम को इतना अच्छा खेल रहा था और मुझे ये गेम बहुत अच्छा लग रहा था ग्राफिक्स में, लेकिन यार अब मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा गेम ये लैग करता है। अब आप देख सकते हो इतना ज़्यादा लैग कर रहा है कि भाई ये खेलने लायक नहीं लग रहा है। मतलब ग्राफिक्स तो भाई इतने ऑसम लग रहे हैं ना, ग्राफिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पे। बस मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि मेरा गेम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैग कर रहा है। जैसा आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कोई भी कार स्पॉन कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। और अभी अगर मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग्स में जा करके देखूँ तो सेटिंग्स में भी यार यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी सेटिंग्स को इवन मीडियम कर रखा है, उसके बाद में भी ये गेम लैग कर रहा है। आप देख सकते हो मैं हाई करने के बाद तो ये गेम और भी थोड़ा लैग करने लग गया है। तो अभी हम इसी चीज़ को फिक्स करने वाले हैं। मैं आपको सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ये सारी सेटिंग्स में गाइस सबसे पहले ना हमारे पास में विजुअल इफ़ेक्ट्स आते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स हमारे वो होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिन चीज़ों का आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे ये जो इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि आपका ये जो हेडलाइट है, ये हेडलाइट के ऊपर आप जो इफ़ेक्ट देख पा रहे हो, जो लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है, ये सारे आपके विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इन विजुअल जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको मैं अगर लो कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो गेम है उस पर फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ पे जो है मेरा गेम थोड़ा सा जो है फिक्स हो जाएगा लैग में, ठीक है। ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको मे बी, क्योंकि हम और भी सेटिंग्स को देखने के लिए अभी पूरा वीडियो, तो अभी हम और भी सेटिंग्स को करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल गाइस मैं इसको यहाँ पे लो कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे विजुअल इफेक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से ग्राफिक्स में जाकर के हम फ्रेम रेट को सेट करेंगे, और फ्रेम रेट को हम यहाँ पे 60 पे रखेंगे, ठीक है। फ्रेम रेट को हम यहाँ पे 60 पे रखेंगे फॉर दी बेस्ट पॉसिबल FPS, ठीक है। तो ये हमें करना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे अगेन मैप में एंड ऑप्शंस में जाके सेटिंग ग्राफिक्स में जाकर के एंड यहाँ पर रेजोल्यूशन को हम यहाँ पे कम कर देंगे। अब पूरा कम करोगे तो आपका गेम ब्लरी हो जाएगा, बट ऑन दी अदर हैंड आपके गेम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट भी आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा गेम जो है इंस्टेंटली थोड़ा सा फिक्स हो चुका है, यानी कि अभी मेरा गेम इतना लैग नहीं कर रहा है जितना पहले लैग कर रहा था। तो ये रेजोल्यूशन का बेनिफिट होता है। तो मैं रेजोल्यूशन को अपने रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जो है 40-50% के बीच में रख सकते हो, इससे आपका जो है परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहेगा और जो क्वालिटी है गेम की वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में एंटी अलाइजिंग को यहाँ पे मैं ऑफ करने को रिकमेंड करूँगा, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में डिस्टेंस स्केलिंग, अब डिस्टेंस स्केलिंग का मतलब ये है कि आप कितना दूर तक ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। जैसे कि आप अभी मैप में देख सकते हो कि ये आप ये वाली चीज़ें कितना आप अभी करंट पोजिशन से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये आपकी डिस्टेंस स्केलिंग होती है, ठीक है। इसको आप जितना कम करोगे उतना आपका गेम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी जा कर के कम कर दूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस स्केलिंग को मैं यहाँ पे अल्ट्रा पे ना करके मैं यहाँ पे क्लोज पे कर दूंगा, ठीक है। क्लोज पे करने पे क्या होगा, यहाँ पे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कार रिफ्लेक्शन है, कार रिफ्लेक्शन को मैं ऑब्वियसली लो पे रखूँगा फॉर द गेटिंग बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल। उसके बाद में रिफ्लेक्शन क्वालिटी को आई विल ऑल्सो सेट एट द लो, एंड सिटी ग्लो इफेक्ट आई डोंट वॉन्ट एनी ग्लो इफेक्ट ऑन द सिटी। ग्राउंड हैज अ डिफॉल्ट, ये था, इसको भी मैं ऑफ करूंगा। एंड वर्ल्ड शेडो क्वालिटी, वर्ल्ड की शेडो क्वालिटी को आप यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट दैट एट ऑल, इसको लो पे करूंगा। एम्बिशन ऑक्लूजन को भी मैं यहाँ पे ऑफ करूंगा, इट इज़ नॉट
यूजफुल दैट मच अकॉर्डिंग टू योर ब्लैक फिक्स राइट। एंड उसके बाद मैं ब्लूम को ऑफ कर दूंगा। मोशन ब्लर ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट मोशन ब्लर बेसिकली ये आपके ब्लर ऐड कर देगा, जैसे ही वैन यू मूव योर कैमरा लेफ्ट और राइट यू विल सी ब्लरी इफेक्ट, दैट इज योर ब्लरी इफेक्ट एंड सो वी विल टर्न ऑफ दिस। ओके देन वी हैव डेप्थ ऑफ फील, दिस इजंट एनी यूजफुल थिंग। And then we have simulation scale, you also have to load this, and also straight light quality, we don't want the high quality, we will also set this as the low. And then we have vehicle light quality ko also we will low. Isse kya hoga, vehicle ki jo quality hai yahan pe aap dekh pa rahe ho wo thodi si लो हो जाएगी। एंड नाउ यू विल सी कि हमारे गेम में थोड़ा बहुत यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, पहले से गेम हमारा स्मूथ चलेगा यहाँ पे, ऑल्दो इतना इफेक्ट नहीं आने वाला है, बट उसके बाद भी अगर आपको मैसिव इंप्रूवमेंट चाहिए आप रेजोल्यूशन को यहाँ पे लो कर सकते हो एंड देन यू विल सी कि आपका गेम यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। अभी आप अगर इंप्रूवमेंट देखोगे कंपेरिजन में आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। Guys want massive improvement, so मैंने क्या किया है, एक और मैंने यहाँ पे जो है स्टेप करा है अपने फ़ोन के अंदर, जिससे मैंने अपने ये सारी पी सी सेटिंग्स को जो है रिमूव कर दिया है और अपने पी सी सेटिंग्स को हटा करके नॉर्मल सेटिंग्स पर कर दिया है। और वो मैंने कैसे किया है गाइज, वो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ गाइज, नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है और वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मैसिव इंप्रूवमेंट आपके गेम के अंदर कर देगा, आपकी गेम को पूरा स्मूथ कर देगा, पी सी सेटिंग्स को रिमूव कर देगा, बट ग्राफिक्स आपके वही रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिक्रीज होगा बट सारी चीजें उस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे रिलेटेड होने वाली है, उसका लिंक भी मैं अपडेट करने वाला हूं। इफ यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग आउट।